इजरायली पीएम ने बीते रविवार को लेबनान में पेजर हमले की जिम्मेदारी ली। ये वही मामला था जिसने हिजबुल्ला लड़ाकों में दहशत ला दी थी। दरअसल बीते 17 सितंबर को अचानक से वायरलेस डिवाइस फटने लगे थे, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि इसका इस्तेमाल अधिकतर हिजबुल्ला लड़ाके इजरायल से बचने के लिए करते थे। पेजर ब्लास्ट से 30 लोगों की मौत हुई थी जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्ला ने इसके पीछे इसराइल का हाथ माना था। इसके 2 महीने बाद आखिरकार इजरायली पीएम ने इसकी जिम्मेदारी ली। नेतन्याहू के कबूलनामे के 24 घंटे के भीतर ही हिजबुल्ला ने पेजर हमले का बदला लेना शुरू कर दिया। नेतन्याहू के खुलासे से एक बौखलाए हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर एक साथ करीब 50 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। अपने शीर्ष नेतृत्व को खोने के बाद हिजबुल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हमला किया है। लेबनान की ओर से हुई रॉकेटों की बौछार से इसराइल में हड़कंप मच गया। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से उत्तरी इसराइल में जबरदस्त अलर्ट सायरन बज उठे। उत्तरी इसराइल की बस्तियों में वापस लौटे लोग जान बचाकर बॉम्ब शेल्टर्स में भागते दिखे। डर और खौफ के साए में जी रहे इसराइलियों के लिए सोमवार किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जहां हिजबुल्ला के एक के बाद एक 50 से ज्यादा रॉकेटों ने जमकर कोहराम मचाया। इससे अलग अलग इलाकों में भारी भरकम नुकसान की आशंका जताई जाने लगी है। इसराइली सुरक्षा बलों ने भी हिजबुल्ला के हमलों की पुष्टि की है। IDF ने कहा कि उत्तरी इसराइल के गलील में हिजबुल्ला की तरफ से करीब 50 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनमें से कुछ को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही रोक दिया। हमला होते ही उत्तरी इसराइल में इमरजेंसी सायरन बज उठा। IDF के बयान से इतना साफ है कि कई रॉकेटों को आयरन डोम को भी रोकने में विफल रहा, जिससे उत्तरी इसराइल के अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई। कई जगह भीषण आग लगने की भी खबरें सामने आई। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला के हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी भी हो गए। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट की माने तो हिजबुल्ला ने 50 रॉकेटों के हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने दावा किया कि उसने करमील बस्ती में पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। इस रॉकेट हमले के दौरान छर्रे गिरने से लोग हताहत हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि कारमील इलाके में आसपास के शहरों के रॉकेट हमले का असर देखा गया। इसके अलावा हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल हमलों से भी जोरदार ऑपरेशन चलाने का दावा किया। समूह ने बताया कि इसराइल की मिलिट्री साइटों, बस्तियों और हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले आधी रात को शुरू हुए, जिससे गैलीली क्षेत्र समेत उत्तरी इसराइल में दहशत फैल गई। रॉकेटों के इजरायली इलाके में गिरने पर सायरन बजने लगे, जिससे नागरिकों में हड़कंप मच गया। अक्का के पास श्रागा बेस जैसे सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई शहरों में हताहतों की खबरें भी हैं।